दिन ज्यादा काम होता है और बहुत काम होता है इस वजह से रोटी नहीं बना पाती है, तो उस दिन चावल बना देते हैं। जब चावल बना देते हैं तो दोपहर के समय में अक्सर हमारे बच्चे बोलते हैं कुछ ना कुछ तो बना दो मम्मी, जो कि चावल दोनों टाइम तो खाएंगे नहीं, एक ही टाइम चावल हम खाएंगे और हम रोटी बनाए नहीं, काफी थकान थकान सा लग रहा था। तो हम बोले क्या बना दे भाई, आप ही लोग बता दो। तो बस कुछ भी बना दो लेकिन अच्छा सा चटपटा सा बना दो। बोले क्या बना देते हैं, सूजी से कुछ बना दो मम्मी। हम कहे ठीक है देख लेते हैं, बना लेते हैं सूजी से। क्या बनाते हैं लग, जो भी बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे, यकीन मानिए। जब भी आप लोग बनाएंगे ना, हफ्ते में ये 3-4 दिन तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम अपने बच्चे को नाश्ता बना करके देती हूँ, क्योंकि इतना टेस्टी होते ही है नाश्ता ये। बोले चलो बनाते हैं और ऑडियंस के साथ शेयर भी कर देते हैं, तो देखिए हम क्या बनाते हैं यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे 1 कप सूजी लिए, 4 चम्मच दही लिए। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो आप दही को क्या करें, यहाँ पे 2 ही चम्मच लीजिएगा दही। हमारी दही ज़्यादा खट्टी नहीं थी, ताज़ा थी, मतलब जमाई थी रात में ना, तो दही अभी मिठास था दही में, इसीलिए 4 चम्मच दही यहाँ पे ले लिए हैं। और सूजी और दही को अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्वाद अनुसार नमक लेंगे, तो ध्यान से लीजिएगा नमक। तो बस जितना हम खाते हैं उतना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हम सूजी को मिलाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, यही रेसिपी अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, प्लीज फॉलो जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए, लाइक किए बिना जाइएगा मत, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। और ये तो हम फिर से बोल दे रहे ना कि हफ्ता में 3-4 दिन यही बनाइएगा, क्योंकि अक्सर हम अपने घर में ये बनाते रहते हैं लेकिन आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए इनको अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पर हम सूजी को अच्छे से मिला लिए, सूजी दही पानी सबको अच्छे से। अब क्या करना है कि इनको थोड़ा टैप टैप कर दे और इन्हें कम से कम 5 से 7 मिनट ढक के छोड़ दे रेस्ट पे, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी गर्मी है फ्रेंड्स, तो हम वेजिटेबल कुछ ले लिए। देखिए, एक शिमला मिर्च, ये पत्ता गोभी है, और यहाँ पे एक छोटा सा गाजर को हम छिलका उतार लिए हैं, 4 हरी मिर्च ले लिए हैं यहाँ पे देखिए, और 2 प्याज ले लिए हैं और कुछ धनिया का पत्ता ले लिए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे ना, सबको पंखे में बैठ के हम कट कर लेते हैं एक साथ। आप भी इसी तरह से कट कर लीजिएगा। लीजिए, काफ़ी आप लोगों का शिकायत रहता था कि मैम आप वीडियो को बहुत लंबा कर देती हैं, तो आप लोग का शिकायत आज दूर कर दिए। देखिए, सारे हम स्टफिंग काट करके तैयार कर लिए हैं, एकदम कोई देर नहीं हुआ, तो लाइक कीजिएगा ना। तो चलिए इनको कर देते हैं साइड। यहाँ पे ले लिए 4 कटोरियाँ, एक एक्स्ट्रा ले लिए, शायद हमारा काम आ जाए, तो इनको अभी रखते हैं साइड में, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम कटोरी को थोड़ा ग्रीस करेंगे इस तरह से, देखिए बढ़िया से सबको ग्रीस कर लेते हैं। एक कटोरी को हम यहाँ पे ग्रीस कर दिए हैं, अब इनको कर देते हैं साइड। अब यहाँ पे दूसरे वाले चूल्हा पर हम गैस को ऑन कर लिए हैं। गैस ऑन करके हम ले लेते हैं पानी, ये करीब पानी इतना ही लेना है जितना में हमारी कटोरी डूबे ना, तो आधा गिलास पानी लिए हैं यहाँ पे। देखिए, पानी को ढक के रख देते हैं। आ गए हैं सूजी भाई साहब के पास। सूजी भाई साहब लग रहे हैं काफी फूल गए हैं, देखिए काफी ठीक है, थोड़ा सा पानी का जरूरत है, ले लेते हैं पानी। अब थोड़ा सा यहाँ पे पानी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा पानी। थोड़ा सा पानी लेकर के हम सूजी को अच्छे से मिला लिए हैं। आप बस इंस्टेंट बनाना है तो आइए कुछ टिप्स लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे इनो फूड सॉल्ट, और इनका वजन करीब करीब 5 ग्राम के करीब होते हैं, तो बस इनको ले लेते हैं। अगर आप 2-3 घंटे पहले अगर सूजी को दही को भिगो करके रखिएगा तो इनो की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी बनाना है, तो 1 चम्मच के करीब पानी लेंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिव हो जाए, और फटाफट से इनको हम मिलाएंगे इस तरह से। तो देर न करते हुए अब हम क्या करेंगे कि कटोरी में हम थोड़ा थोड़ा सूजी को भरेंगे, अरे करीब 2 चम्मच के करीब, देखिए इस तरह से। दूसरे कटोरी में भी हम भर के दिखा देते हैं फटाफट, एकदम जल्दी जल्दी काम करिएगा। 2 चम्मच इनको टैप टैप कर लेंगे, इसी तरह से सब में भर लेंगे हम। 4 कटोरियाँ में हम अच्छे से ले लिए हैं। अब क्या करेंगे कि जो 5वीं कटोरी है ना, इनमें भी हम ले लेते हैं। सभी को अच्छे से हम स्टफिंग को ले लिए हैं। अब हम कटोरी में प्लेट में एक ले लेते हैं फटाफट से, देर ना करते हुए। चलिए गैस के पास, हम गैस का लेड हटाएंगे और पानी इतना ही लीजिए कि हमारे कटोरी के ऊपर ना आए, तो देख रहे हैं एकदम इतना ही पानी है बस, मतलब कटोरी का जो है ना ये नीचे वाला पोर्शन, बस वही डूबना चाहिए।
हमें कटोरी के आधा पानी नहीं रखना है। तो चार कटोरी आराम से यहाँ आ गए, कोई स्टैंड वगैरह नहीं लिए हैं। कटोरी को थोड़ा सीधा कर लें इस तरह से, और बीच में इनको रख दें इस तरह से। और क्या करना है, इनको करीब करीब 5 से 6 मिनट के लिए ढक दें, मीडियम फ्लेम पे पकने दें। यहाँ पे हम गैस को ऑन करेंगे, दूसरा गैस को। तो बस यहाँ पे ले लेते हैं पैन, पैन को हम गर्म हो देते हैं, पैन में हम लेंगे सरसों तेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं आप, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर यही रेसिपी हमारी देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, तो प्लीज़ फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ तेल को गर्म होने देते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच हम तेल लिए हैं, 2 चम्मच की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम तेल में बनाना है। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। यहाँ पे हरी मिर्च जो कट किए थे ना, उनको ले लेते हैं। साथ में ही हम लेंगे प्याज, प्याज को हम थोड़ा सौटे करेंगे, मतलब एकदम पकाना नहीं है, क्रंच रखना है प्याज को। प्याज को ले लिए हैं। प्याज को हम क्या करेंगे, चलाएंगे, थोड़ा सा क्रंच रहने देंगे लेकिन चलाएंगे। यहाँ पे प्याज हल्का रोस्ट हो गया, तो यहाँ पे ले लेंगे गाजर, और गाजर के साथ साथ हम लेंगे टमाटर, ताकि अच्छे से भी पक जाए, हल्का क्रंच रहे सारे वेजिटेबल। वेजिटेबल हम थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, जो कि बच्चों को किसी न किसी बहाने से आपको वेजिटेबल खिलाना है। और साथ में ही हम ले लेंगे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को भी हम ले लेते हैं, ताकि ये अच्छे से क्रंच रहे, ये भी एकदम नहीं पकाना है। तो यही मौका होता है बच्चे लोग को वेजिटेबल खिलाने का। चलिए इनको पकाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा हाई फ्लेम पे पकाइएगा, ताकि ये क्रंच रहे। साथ में ही ले लेंगे 1 कटोरी जो शिमला मिर्च कट किए थे ना, एक बड़ा वाला, उनको अब क्रंची रखने के लिए यहाँ पे एकदम लगातार चलाते रहना है, 2 से 3 मिनट इन्हें भुनना है। अब इसमें लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, तो हम नमक बैटर में भी लिए हैं, तो वही हिसाब से नमक लीजिएगा और इनको चलाते हैं। अब नमक पहले हम इसलिए लिए कि सब्जी हमारा थोड़ा सॉफ्ट बन जाए। अब यहाँ पे लेंगे हम पाव भाजी मसाला, आप सांभर मसाला भी ले सकते हैं, मैगी मसाला भी ले सकते हैं, करीब 1 छोटा चम्मच के करीब। और इसी में ले लेंगे हम कूटा हुआ घर का चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, सबको हम चलाएंगे पहले। अब इसमें लेंगे हम 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप, 2 चम्मच लेंगे, ज़्यादा मत लीजिएगा। 1 चम्मच लेंगे हम रेड चिली सॉस, यहाँ पे 1 चम्मच लेंगे हम ग्रीन चिली सॉस, अगर है तो लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। और सबको हम यहाँ पे चलाएंगे, अच्छे से मिला देंगे पहले। इसी में लेंगे हम 1 पैकेट ओरिगैनो, तो इनको भी ले लेते हैं, सबको अच्छे से चला लेते हैं। साथ में हम लेंगे मतलब ढेर सारा जितना धनिया पत्ता काटे हैं ना, वो सबको ले लेंगे हम यहाँ पे। देखिए करीब 2 चम्मच है, आपको दिखाए थे ना, वो कटिंग करके 2 चम्मच हुए हैं, तो इनको भी हम ले लिए। अब हम सबको मिला लिए, अब हम गैस को यहाँ ऑफ कर देते हैं, स्टफिंग में गैस को ऑफ कर दिए। तो आइए देख लेते हैं एक बार, तो ये करीब करीब 7 मिनट हो गए हैं। तो हम एक पहले सबसे पहले ऊपर वाले को टूथपिक डाल करके दिखाते हैं आपको, देखिए एकदम क्लीन है ये, बिल्कुल एक बार और देख रहे हैं, एकदम क्लीन है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, तो ये अच्छे से एकदम तैयार है, एकदम क्लीन है एकदम। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैस को ऑफ कर देते हैं, और ऑफ करने के बाद इनको बाहर निकालते हैं। तो बस आप कपड़ा से निकालिएगा, हम तो हाथ से ही पकड़ के निकाल लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया से। और बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट ठंडा होने दीजिएगा, बातें करते करते ठंडा हो जाएंगे। अब हम दूसरा कटोरी भी निकाल लिए हैं, सभी को निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से बने हैं ना। तो चलिए अब थोड़ा 2 मिनट ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर 2 मिनट बाद आपको एक टिप्स बता दें, अगर 2 मिनट इन्हें छोड़ दीजिएगा तो आपको इनको किनारे में नाइफ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कैसे, बस हल्के हाथ से इनको दबाते हुए इस तरह से कर दे, बस इस तरह से सिर्फ करना है, और उसके बाद टैप टैप कर दे, आराम से निकल जाएंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी बने ना, वाओ देख रहे हैं। तो इस तरह से सबको हम निकाल लेते हैं। इधर वाले को भी हम हल्का सा हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे और टैप टैप कर देंगे, देखिए कितना बढ़िया से ये निकल गए। तो इसी तरह से आपको सबको निकाल लेना है, देखिए एकदम आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको क्या करना है, बीच से हमें कट करना है। कैसे कट करना है, तो आप इस तरह से तेज धार चाकू वाले, मतलब तेज धार वाले चाकू ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्लेन चाकू का इस्तेमाल मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, हम इनसे कट करेंगे। तो आप कट कैसे करना है, इनमें भी ट्रिक है। तो आपको क्या करना है ना, कि इनका किनारे पे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से कट करना है। भूल से भी डायरेक्ट एकदम बीच में चाकू घुसाने का कोशिश मत कीजिएगा, तो इस तरह से गोल गोल कट करना है सभी जगह से। देखिए आराम आराम से इस तरह से हम कट करेंगे इनको, और आहिस्ता आहिस्ता ले आएंगे चाकू को, एकदम आहिस्ता आहिस्ता चाकू लाएंगे,
देखिए आराम से ये आर पार कट जाएंगे ये। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया से कट गए ना, वाह क्या बात है। तो इनको हम इस तरह से रख लेते हैं, इसी तरह से दूसरा पीस भी हम कट करेंगे। अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, तो हम ये छोटे वाले जो ऊपर का है कवर, इनको हम नहीं उठाएंगे, हम यहाँ से बड़े वाले को उठाएंगे। देखिए दोनों साइड थोड़ा मोटा है ना, इनको उठाएंगे। और उठाने के बाद क्या करेंगे कि हम आपको दिखाते हैं एकदम करीब से, इन पे लगाएंगे स्टफिंग। स्टफिंग ध्यान से लगाइएगा, जितना मर्जी आप लगा सकते हैं, लेकिन वही अनुसार जितना हमारा इनका ऊपर का कवर है, जो लेट कर सकते हैं आप उनको। और हाँ बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी आपको चीज़ तो लेनी पड़ेगी, तो हम चीज़ ग्रेट करके ले लिए हैं थोड़ा चीज़। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे स्लाइस वाला ले सकते हैं, मोजरेला ले सकते हैं, मोजरेला चीज़ ले रहे हैं। और इनको क्या करेंगे कि आराम से दबाते हुए कवर करेंगे, देखिए इस तरह से। और एक थाली में हम इनको रखते जाएंगे, इसी तरह से हम सबको स्टफिंग कर लेंगे। तो हम सारे में चीज़ वाले लगाए हैं, मतलब चीज़ वाला स्टफिंग किए हैं, और एक स्लाइस जो हमारे बचे हैं ना उनमें हम चीज़ नहीं लगाएंगे। अब बोलिएगा क्यों भाई सब में लगाएंगे, इनमें क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को चीज़ पसंद है, हमें नहीं। एक पीस हम बहुत सारे रेसिपी बनाते हैं तो हम मतलब हम नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, मतलब अपने सेहत का काफ़ी ध्यान देते हैं। तो आज हमें इनमें से खाने का कुछ मन कर रहा है, तो आज हम अपने लिए, सच में बता रही हूँ, अपने लिए बिना चीज़ वाला बना रही हूँ। बहुत ऐसा चीज़ है जैसे कि हम घी नहीं खाते हैं, चीज़ नहीं खाते हैं, तो आज हम सोचे, बच्चे लोग भी बोले मम्मी तुम अपने लिए भी एक आध पीस बना लेना ना, ये ठीक है बना लेते हैं। तो हम सोचे आप लोग को दिखा देते हैं। तो बहुत सारे हम लोग में से मतलब ऑडियंस है जो कि पसंद नहीं होता है चीज़, तो हमें भी नहीं पसंद है। सबको स्टफिंग कर लिए, अब चलिए देखते हैं इनको क्या करना है। अब फिर से यहाँ पे हम गैस ऑन करेंगे, गैस ऑन करके रख लेंगे पैन। पैन में हम लेंगे तेल, तेल ज़्यादा नहीं लेंगे हम यहाँ पे, मात्र बस दो चम्मच, दो चम्मच से भी कम लेंगे, यानी डेढ़ चम्मच तेल हम लिए हैं। आप लोग को अगर पसंद है कि बिना तले भुने खाएं तो आप ले सकते हैं, तो तले भुने हुआ कहाँ, बस थोड़ा सा तेल लिए हैं, एकदम फ्राई तो नहीं कर रहे हैं। तो बस चलिए यहाँ पे आप चाहें तो यूं ही ऐसे ही खा सकते हैं। अब हम लेंगे इनको इस तरह से हल्का दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, और इसी तरह से हम जितना आ जाए उतना ले लेंगे पैन में। तो यहाँ पे लगभग चारों पीस हमारे आ गए हैं, जो मेरे वाले थे इनको हम बाद में कर लेंगे, और हर एक मिनट पे ने उलट पुलट आराम आराम से कर लेंगे। हमको क्या करना है कि ऊपर से इस तरह से पकड़ेंगे, आहिस्ता से एक चम्मच के सहारे इन्हें पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया से पलट आ गए हैं, तो इसी तरह से देखिए हम पलट लिए हैं, और अब हम इनको भी पलट लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से खूबसूरत लग रहे हैं, और थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाएंगे। और सैंडविच है भाई, तो सैंडविच है तो थोड़ा सा तो चाहता है ना फ्राई करना, तो हल्का सा यहाँ पे इनको भी पलट लिया। सबको हम फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक स्पैचुला के सहारे हम सबको निकाल लेंगे इसी थाली में। देखिए हमारे वाले हैं, इनको भी फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से, मात्र दो दो मिनट आपको टाइम लगेगा। इसी तरह से उलट पुलट के फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सबको हम ले लिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो सारे सूजी का हमारा सैंडविच बनकर तैयार है, दिख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है ना। अब प्लेटिंग करने की बारी है। और छोटी छोटी बातें, आप अगर सूजी में ज़्यादा पानी पड़ जाते हैं तो वहाँ पे आप दो चम्मच सूजी जरूर ले लीजिएगा और खुलने दीजिएगा, इन्हें कि तुरंत लेकर के तुरंत बनाना है बिल्कुल नहीं, थोड़ा रेस्ट दीजिएगा। और फिर आपका ये मतलब जो भी कहिए, इनको इडली कह सकते हैं, बर्गर कह सकते हैं, सैंडविच कह सकते हैं, भाई यहाँ पे एकदम देखिए कितना खूबसूरत नाश्ता घर का हेल्दी बन के तैयार है। अब बाहर जो जा रही है ना, घर में बना करके बच्चे को खिलाइए। अब बारी है प्लेटिंग का, चलिए यहाँ पे भाई प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम मस्त लग रहे हैं देखिए। तो देखिए यहाँ पे प्लेटिंग कर ली है। आप थोड़ी सी इन्हें क्या करें, ये पत्ता गोभी से आप इन्हें गार्निशिंग कर दें, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। रेस्टोरेंट में इस तरह से देते हैं ना लोग, अगर रेस्टोरेंट में ही अगर आपको मिल जाए तो आप यकीन नहीं करिएगा कि वाह ये सूजी का है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च से इन्हें गार्निशिंग कर दें, इनका लुक एकदम उभर करके आएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हम कितना मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए ना, एक से एक टिप्स। यहाँ पे इतना बढ़िया, इतना टेस्टी एकदम नाश्ता घर का बनकर तैयार हो गया है। बच्चे का कहना कभी कभी जिद अच्छे होते हैं, बनाया कीजिए, अगर नहीं बनाते हैं कोई बात नहीं, आप बाजार से ही मंगा के खिलाइएगा अगर आपकी मर्जी है तो, लेकिन मेरी सलाह है कि आप घर में इस तरह से बनाइए। और हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले भाई। और हाँ, यही रेसिपी अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, आप लोग सपोर्ट करें हमको और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से
लेकिन लेकिन आप लोग का तो जी भरेगा ही नहीं। क्या नहीं भरेगा कहिएगा, मैम आपने तो काट के ही नहीं दिखाया। बिल्कुल राइट, आइए हम आज काट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे दबाते हुए इनको हम अच्छे से कट करेंगे। हम ही भूल गए थे कि आप लोग के तो जो मन पसंद है वो तो हम किए ही नहीं। तो बस यहां से उठाया मैंने, अरे देखिए कट कर दिया। देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो बस क्या करना है, चलिए मिलते हैं इसी तरह से नई रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की। बाय।